हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, खाना तो सब खाते हैं। कई लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ वही लोग जीने के लिए खाते हैं। लेकिन इन सबके बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न जाने क्या क्या खाने का शौक पाल लेते हैं। दोस्तों, आज की हम अपनी इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी डिशेस से मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत ही अजीबो गरीब हैं, लेकिन लोग उनको खा रहे हैं। कुछ इंसेक्ट्स खा रहे हैं तो कुछ पत्तियां। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और आपको दिखाते हैं अजीबो गरीब पकवान। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर वन, मेपल लीव्स। दोस्तों, मेपल लीव्स जापान में खाए जाते हैं और वो भी बड़े शौक से। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे इन पत्तों को डीप फ्राई किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये खाने में बहुत शानदार होते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, जापान के लोग कहते हैं। उनके हिसाब से जो इन पत्तों को एक बार खा लेता है वो इनको बार बार खाना चाहता है। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले तो इन लीव्स को पेड़ से तोड़ा जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये बिल्कुल पीला होना चाहिए। उसके बाद इसे धोया जाता है, फिर अपने हिसाब से नमक डालकर इसे एक महीने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, एक महीने बाद इन पत्तों को डो में भिगोकर डीप फ्राई किया जाता है। दोस्तों, जब इसे एक बार तैयार कर लिया जाता है तो फिर इसका खाने का स्वाद जबरदस्त होता है। नंबर टू, शिप वॉर्म्स। दोस्तों, एशिया के कई ऐसे देश हैं जहां शिप वॉर्म्स को बड़े ही चाव से खाया जाता है। दोस्तों, ये है दुनिया का सबसे बदबूदार कीड़ा। इसके सामने जाकर भी कई लोग वॉमिट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो इसे भी खाने लगे हैं। ये देखिए कैसे ये लोग जिंदा शिप वॉर्म्स को खा रहे हैं। बस इन्हें करना क्या है, इन्हें पेड़ से ढूंढ कर पकड़ना है और उसके बाद खा लेना है। दोस्तों, एशिया में चीन और वियतनाम के लोग इसे सबसे ज्यादा खाते हैं। साथ ही साउथ अमेरिका के भी कुछ ऐसे देश हैं जहां इन्हें खाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कई ऐसे देश भी हैं जहां इन्हें गर्म पानी में बॉईल किया जाता है और उसके बाद नमक और मसाला डालकर इनको खाया जाता है। जो लोग इस डिश को खाते हैं वो कहते हैं कि इसे ज्यादा देर तक गर्म पानी में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ये टाइट हो जाता है और खाने वाले को परेशानी होती है। समझ में आता कि लोग खाते ही क्यों हैं ये सब। नंबर थ्री, स्टारगेजी पाई। दोस्तों, ये डिश इंग्लैंड में खाई जाती है। पहले आप जरा इस डिश को देख लीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले मछलियां नजर आएंगी, मछलियों के सिर और उनकी पूंछ। न जाने बाहर के लोग क्या क्या खा लेते हैं, इसे देखकर भी किसी का मन बिल्कुल घबरा जाए, लेकिन इंग्लैंड में इसे बहुत चाव से खाया जाता है। दोस्तों, हालांकि इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है और वो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस वजह से इंग्लैंड के लोग मछलियों के सिर और उनकी पूंछ खाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार इंग्लैंड में लगातार बारिश हो रही थी, वो 7-8 दिनों तक चली। ऐसे में वहां के लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसी समय एक मछली पकड़ने वाले इंसान ने सबकी जान बचाने की ठानी। उसने कहा कि भीषण बारिश में भी वो मछली पकड़ने के लिए जाएंगे और वो निकल भी पड़े। दोस्तों, उन्होंने करीब 20 किलो मछली नदी से पकड़ी, जिसके बाद वहां पे जितने भी लोग थे सबने मछली को खाया और सबकी जान बच गई। उन्हीं की याद में हर साल यहाँ पर मछली का ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये लोग इस फेस्टिवल में सिर्फ और सिर्फ मछली ही खाते हैं। दोस्तों, मछली के डिश में आलू और अलग अलग तरह की सब्जियां भी मिलाई जाती हैं। जो भी हो, लेकिन कच्चे मछली को मिलाने का कोई मतलब नहीं होता, पर ये लोग तो इनको खाते ही हैं। दोस्तों, आप भी हमें अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के जरिए। नंबर फोर, दोस्तों ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इनका नाम है विजय, जो कि सिंगापुर में एक बार के ओनर हैं। दोस्तों, ये बार कोई आम बार नहीं है, इसे दुनिया के द बेस्ट बार्स में से एक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की दारू तो अच्छी है ही, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ की सबसे स्पेशल चीज है यहाँ का कॉकटेल। क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई कॉकटेल दुनिया भर के इंसेक्ट से बना हो सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कॉकटेल चींटियों के जूस से बना हो सकता है? लेकिन ये हो रहा है और वो भी विजय के बार में ही। दोस्तों, इनका कहना है कि ड्रिंक को थोड़ा खट्टा बनाने के लिए वो चींटियों के जूस का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, वो हर तरह के जंगली कीड़ों को भी ड्रिंक में डालते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए कैसे ये कीड़ों को जंगल से पकड़ के उसे पीस के उसकी चटनी बना रहे हैं। और मजे की बात तो ये है कि लोगों ने इस खाने को इतना पसंद किया है कि इसे द बेस्ट रेस्टोरेंट का खिताब मिल चुका है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, लेकिन मैं तो इस बार में गलती से भी ना जाऊं। दोस्तों, आप में से कौन कौन है बहादुर जो इस बार में जाना चाहता है, कॉमेंट करके जरूर बताइए। नंबर फाइव, बैम्बू सॉल्ट। दोस्तों, जब भी नमक की बात आती है तो समुद्र ही याद आता है, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। नाम से आपको पता चल गया होगा कि बैम्बू सॉल्ट बहुत अलग किस्म का नमक होगा। आपको बता दूं कि दुनिया में सिर्फ साउथ कोरिया देश में ही बनाया जाता है। इसे बनाने में 3 साल का वक्त लगता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जंगलों में जाकर सबसे पहले बांस के पेड़ से नमक को निकालने की कोशिश की जाती है।
उसके बाद इसे एक जगह पर कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है और अंत में इसे गर्म पानी में मिक्स करके इसे कई घंटों तक बॉइल किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह नमक जिसे साउथ कोरिया में बैम्बू सॉल्ट कहा जाता है, ये इतना पॉपुलर है कि यहाँ इसकी खपत हद से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ये है इस देश का टॉनिक। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह के नमक को खाकर उनका शरीर फिट रहता है और साथ ही वो हर तरह की बड़ी बीमारियों से भी दूर रह पाते हैं। दोस्तों है ना ये कमाल की चीज। नंबर 6, मुजुको। दोस्तों ये है सबसे अलग तरह का खाना। जी हाँ, जापान के लोग भी अलग अलग तरह का खाना खाने में एक्सपर्ट हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई मुजुको खाएगा तो उसे जिंदगी भर कोई बीमारी नहीं हो सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मुजुको है क्या, इसे कैसे खाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसे खाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये समुद्र के नीचे एक तरह की काई होती है। जी हाँ दोस्तों, काई जिसपे अगर आप चलें तो फिसल जाते हैं, आप कभी फिसले भी होंगे हो सकता है। लेकिन इसे जापान के लोग बड़े मजे से खाते हैं। ये समुद्र के नीचे से इस काई को निकालते हैं, उसके बाद इसे खा जाते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि जो हफ्ते में दो बार भी इस फ्रेश काई को खा लेता है वो जिंदगी में कभी भी बीमार नहीं हो सकता। हालांकि जिस एरिया के लोग इस काई को खाते हैं वहाँ के लोग फिट तो बहुत रहते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी अपने आप को फिट रखने के लिए इतनी मेहनत की है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि जापान के लोग भी खाने पीने के मामले में किसी से कम नहीं है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान के लोगों के बीच ग्रीन टी बहुत फेमस है और ये लोग ग्रीन टी का आइसक्रीम भी खाते हैं। भैया मजाक नहीं कर रहे हैं, आप चाहो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। नंबर 7, कत्सुओ बुशी। दोस्तों ये एक तरह का चिप्स है जो कि जापान में ही तैयार किया जाता है। आपको बता दूं कि इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक चिप्स बना गया है। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको मछलियों को धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद उनको छीला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इन्हें पतले पतले पार्ट्स में छीला जा रहा है। जब एक बार मछलियों को छील लिया जाता है तो उसके बाद इन्हें 6 से 8 दिनों के लिए रख दिया जाता है। इन्हें तब तक रखे रहते हैं जब तक कि इससे स्मेल ना आने लग जाए। दोस्तों जैसे ही इनमें से गंदी बदबू आने लग जाती है वैसे ही शेफ को समझ आ जाता है कि ये अब तैयार हो गए हैं और अंत में इनमें हल्का सा नमक डालकर इन्हें फ्राई कर दिया जाता है, वो भी 9 के बराबर तेल में। दोस्तों कहा जाता है कि कत्सुओ बुशी सिर्फ जापान में ही नहीं यूरोप की कई कंट्रीज में भी बहुत पॉपुलर है। नंबर 8, हुहू बीटल लावा। दोस्तों यकीन कीजिए इस कीड़े को न्यूजीलैंड के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं। उनका कहना है कि दिखने में बेशक जितना खराब और घिनौना दिखता हो लेकिन स्वाद के मामले में इससे बेहतर कुछ नहीं है। कुछ एशिया के लोगों ने भी इसे खाया है। ज्यादातर पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि ये कीड़ा बिल्कुल बटर चिकन की तरह स्वाद देता है। यार इसे देख के मन तो नहीं कर रहा खाने का, लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के लोग इसे खाते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों दिमाग तो तब और ज्यादा खराब हो जाता है जब पता चलता है कि कुछ लोग इसे जिंदा ही खा जाते हैं। सही बात है भाई, कुछ लोगों को एडवेंचर चाहिए इस दुनिया में। हालांकि न्यूजीलैंड में इसे रोस्ट करके खाया जाता है। आपको दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में हुहू बीटल लावा को बनाने वाले रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे जिनमें जापानीज और ऑस्ट्रेलियन भी शामिल हैं। भाई हो तुम लोग यार कीड़ों मकोड़ों को, हम दाल रोटी से ही पेट भर लेंगे। दोस्तों क्या आप चखना चाहोगे इस कीड़े का स्वाद? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, रियल स्ट्रीट फूड। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप में जुनून हो तो सब कुछ संभव है, वही काम करके दिखा दिया है इस अमेरिका के इंसान ने। भाई ये हैं द रॉक स्टार ऑफ नेचर। एक्चुअली दोस्तों बात ऐसी है कि ये रोड ट्रिप करने के लिए जाने जाते थे, लेकिन ये जहां भी जाते थे कभी अपने साथ खाना पीना लेकर नहीं जाते थे। इनका मानना है कि नेचर ने आपको इतना कुछ दिया है कि आप कभी भूखे नहीं मर सकते। जी हाँ दोस्तों, तभी तो इन्होंने दुनिया भर की फूल पत्तियों को इकट्ठा किया, साथ ही गर्म पानी में बॉयल कर दिया और एक साथ गटक गए। दोस्तों कहा जाता है कि ये पिछले 11 सालों से नेचुरल फूल पत्तियों को गर्म पानी में बॉयल करके खा रहे हैं, पी रहे हैं और ये आम लोगों से ज्यादा हेल्दी हैं। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि ये दुनिया भर के देशों में जा जाकर लोगों को नेचुरल चीजों को अपनाने का ज्ञान भी दे रहे हैं। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन आपको बता दें कि इन्हें देखकर दुनिया भर के कई रेस्टोरेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों खास तौर पे साउथ अमेरिका के देशों में फूल और पत्तियों के बने खाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। गर्म पानी में अलग अलग फलों को पत्तियों के साथ मिक्स करके काफी एंजॉय किया जा सकता है। दोस्तों कल्चर किसी भी इंसान को किस हद तक बदल सकता है इसकी वानगी अगर देखनी हो तो लोगों के खान पान पर नजर डाली जा सकती है। जहां दुनिया के कई हिस्सों में कीड़े मकोड़ों को देखते ही लोग नाक भौं से कोड़ने लगते हैं, वहीं दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो इन्हीं कीड़ों को बहुत चाव से खाते हैं। दुनिया में धीरे धीरे कीड़े मकोड़ों को खाने का कल्चर आम होता जा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक दूध, चिकन, बीफ या पोर्क से पैदा होने वाले 1 किलो प्रोटीन काफी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। इसकी तुलना में कीड़ों मकोड़ों द्वारा प्राप्त प्रोटीन कई मायनों में इन पारंपरिक तरीकों से ज्यादा किफायती होता है।
लगातार बढ़ रही आबादी और ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो सकता है कि हमारे देश में कीड़े मकोड़े खाने का कल्चर आम होता चला जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहीं अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कर दीजिएगा।